अब हमारे सामने है एक सवाल तानला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। ये सवाल है सुब्रत जी का, तानला प्लेटफॉर्म स्विंग ट्रेडिंग के लिए। चलिए, मतलब ये कि बहुत जल्दी से कुछ फ़ायदा मिल जाए ये सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, अब बन रहा है क्या स्विंग ट्रेड? स्विंग ट्रेड 1100 के ऊपर ही है, उसके पहले तो नहीं लगता मुझे, क्योंकि 1100 के ऊपर आपका स्विंग क्लियर हो जाएगा 950 के स्टॉप लॉस से, तो 10% का रिस्क रहेगा आपको वहां, उसके पहले स्विंग क्लियर नहीं है जहां तक मेरा अंदाज है। 1100 के ऊपर जी, तो यहाँ पे 1100 का मार्कर रख लीजिए और उसके हिसाब से अगर उसके ऊपर दिखे तब एक ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोचिए। अगर 1100 के ऊपर निकलता है तो फिर कितनी मजबूती इसमें आ सकेगी? फिर इसको हायर लो का स्ट्रक्चर मान के चलना पड़ेगा, और 1100 निकलने के बाद आपको 100 DMA जहां पे भी मिलेगा उसका 60% सपोर्ट या स्टॉप लॉस मान के चलना पड़ेगा। थियरी जी अच्छा, जब ये इन्होंने स्विंग ट्रेड कहा है तो स्विंग ट्रेड के बारे में थोड़ा सा एक मतलब किताब क्या कहती है वो भी समझाइए। जब स्विंग ट्रेड लोग करते हैं या जिसको के बारे में समझना चाहते हैं, वो अमूमन कितने समय का होता है? ये डिपेंड करता है कि आप मिनट्स का चार्ट पढ़ रहे हैं या डे का पढ़ रहे हैं या वीक का पढ़ रहे हैं या मंथ का पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से। लेकिन स्विंग ट्रेड जो होता है मेनली शॉर्ट टर्म के लिए ही किया जा सकता है, मेनली किया जाता है जिसमें आपको क्विक एक मौका मिलता है पैसा कमाने का और करके निकल जाइएगा। और स्विंग का मतलब होता है जहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ था उस ट्रेंड के अगेंस्ट एक मिनी ट्रेंड चला और वहां से कुछ करेक्शन के बाद जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो रिज्यूम हो रहा है। तो स्विंग ट्रेड जैसे इसका ओरिजिनल ट्रेंड जो आप देखेंगे तो ये शुरू हुआ 480 के पास से और ये ट्रेंड आपका गया करीब करीब 1300। अब उसके बाद जो ये आया 950 पे, तो यहाँ से एक पोटेंशियल स्विंग पहले भी बनता था बिकॉज यहाँ पे इसका जोन ऑफ कंजेशन है, तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर में स्विंग देगा, लेकिन उस स्विंग सस्टेन करेगा दैट विल डिपेंड अपॉन 1100 के ऊपर का क्लोज। तो अगर 1100 के ऊपर का क्लोज है तो ये स्विंग फर्दर आपके बुल ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो और नहीं तो फिर से ये स्विंग फेल होके आपका 950 का सपोर्ट टूट जाएगा और ये काइंड ऑफ मिनी हेड एंड शोल्डर्स के शेप में चला जाएगा। जी, लेकिन अगर ये मान लें कि जो पहले का ओरिजिनल ट्रेंड था यानी 480 के आसपास से ये 1300 तक जो गया, यही इसी तरह का ट्रेंड दोबारा शुरू होगा, तो फिर तो ये लगभग 950 के बेस से क्या ये फिर काफ़ी ऊपर 1700, 1750 इस तरह के लेवल्स की बात भी होगी उसमें फिर? हो सकती है ना, बिल्कुल। अगर ये अभी तो इसका स्विंग मतलब सॉरी इसका एक लार्जर ट्रेंड शुरू हुआ है और ये लार्जर ट्रेंड में बहुत सारे इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट ट्रेंड्स बने, तो हो सकता है कि ये जो पहला मूवमेंट है उसका एक करेक्टिव फेज चल रहा है और ये करेक्टिव फेज 38% तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था 1000 पे ही, थोड़ा सा अंडर शूटिंग हुई है विच इज ओके। लेकिन अगर ये 38% का रिट्रेसमेंट 1000 है और 50 पॉइंट का डिविएशन इज नॉट मच, तो अगर ये 1100 के ऊपर फिर से सस्टेन करके निकला तो मे बी करेक्शन इज ओवर और नया राइज शुड स्टार्ट। जी, तो ऐसे ट्रेड में मतलब अगर हमारा व्यू ये बन रहा है किसी एक ट्रेडर का या इन्वेस्टर का कि 1100 के ऊपर जब निकल गया तो फिर मैं इंतज़ार करूंगा, 1600, 1700 इस तरह के लेवल्स आएंगे तब मैं प्रॉफिट लेने की बात सोचूंगा, तो वैसे सोच वाले ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए क्या जो अभी रिसेंट बॉटम बना है ये लगभग 950 के आसपास का, क्या वही एक बड़ा मार्कर है कि उसके नीचे गया तभी मेरा ट्रेड फेल होगा? नहीं, उसके ऊपर में आपको प्रॉफिट प्रोटेक्शन भी सोचना चाहिए। ये बॉटम तब तक वैलिड है जब तक आपका ट्रेड इज इनटू लॉस। अगर आपका ट्रेड लिया और वो प्रॉफिट होने लगा डिसेंट प्रॉफिट, और मान लेते हैं कि इस केस में ऐसा होता है कि वो 1300 निकल जाता है, 1300 निकलने का मतलब ये है कि आपको फिर अपने 1100 वाला जो लेवल है जो अभी उस रिसेंट टॉप पार हो गया, जी जो रिसेंट टॉप बना है वो पार हो गया, उसके बाद की बात कर रहे हैं आप? उसके बाद फिर आपको अपने स्टॉप लॉस लेवल को रिवाइज करना चाहिए, जो 950 है वो ऊपर आके 1100 हाँ, हो फिर जाता प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने वाली स्ट्रेटजी फिर वहां पर काम करने लग जाएगी। है। जी चलिए, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से आप तय कीजिए आपको क्या करना है यहाँ पे।